केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में तीन कानूनों की कॉपी फाड़ दी, जिसमें खेती कानून की कॉपी भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, सियासत में किसी कानून के विरोध का ये अंदाज पुराना है, सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी वही किया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। दरअसल बात पंजाब के सियासत की है। केजरीवाल को कांग्रेस के सामने अपने को साबित करने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। उधर किसानों की बात करते करते राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर सियासत के बवाल में नया मोर्चा खोल दिया है। पहले से ही उनकी उपस्थिति के ट्रैक रिकॉर्ड पर हो हल्ला करने वाली बीजेपी अब और हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फौरन याद दिलाया कि पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने 14 में से सिर्फ 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग अटेंड की है और सरकार पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वॉकआउट कर राहुल गांधी ने संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तोड़ी है। वो ये भी बोलना नहीं चूके कि राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब भी उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया था। ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं, और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। दरअसल बीते दिन रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सेना के तीनों अंगों की यूनिफॉर्म पर चर्चा हो रही थी। इस बैठक में चेयरमैन की कुर्सी पर थे बीजेपी नेता ज्वेल उरांव। बैठक में शामिल थे CDS बिपिन रावत, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी। सेना के अधिकारी बैठक में यूनिफॉर्म पर आधे घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा चुके थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राहुल गांधी ने तभी हस्तक्षेप किया और कहा कि देश के सियासतदानों को सेना की यूनिफॉर्म पर चर्चा करने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मसलों पर चर्चा करनी चाहिए। सेना की वर्दी का मसला सेना पर ही छोड़ दें, इसमें दखलअंदाजी ठीक नहीं। बैठक में तो ये चर्चा हो कि आखिर देश के लद्दाख में क्या तैयारी है, चीन के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चेयरमैन ने राहुल गांधी को इस पर बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उनके साथ ही बाकी दोनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने एक सवाल उठाया था, पहले तो उनको बोलने नहीं दिया गया, ना कांग्रेस के किसी सांसद को बोलने दिया गया, और उन्होंने बहुत मुद्दे की बात उठाई थी, सेना का कैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये हम नहीं तय करेंगे, ये खुद सेना तय करेगी। अब बीजेपी राहुल गांधी के वॉकआउट पर हमलावर है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र रद्द किए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने सरकार को घेरा। कोरोना काल के बीच में संसद चलाकर भाजपा सरकार ने अरबपति मित्रों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को तो पास करा दिया, लेकिन किसानों की मांग पर 11 किसानों की शहादत व बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खोल सकती। इतना ज्यादा अहंकार और असंवेदनशीलता। रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र पर किसान आंदोलन के बीच सियासत गर्म हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।